सर आप अध्यादेश क्यों लाए? अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर वार। पीएम मोदी के 10 साल पुराने ट्वीट को बनाया हथियार। दिल्ली सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अध्यादेश लाने के बाद पीएम मोदी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निशाने पर बने हुए हैं। अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को टारगेट कर रहे हैं। इस बार अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को अलग तरीके से निशाना बनाया है। केजरीवाल ने पीएम मोदी के 10 साल पुराने एक ट्वीट को रीट्वीट किया है और ये सवाल पूछा है कि सर आप अध्यादेश क्यों लाए। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी के 10 साल पुराने उस ट्वीट में क्या है जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से घेरने की कोशिश की है। दरअसल पीएम मोदी का ये ट्वीट 14 जुलाई 2013 की शाम 5:13 का है। पीएम मोदी के इस ट्वीट में लिखा है कि जब संसद में बैठक चल रही है, संसद को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया और एक अच्छा बिल क्यों नहीं दिया जा सका, अध्यादेश क्यों लाया गया। जाहिर है उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और इस ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने अध्यादेश का विरोध किया था, यानी उस वक्त अध्यादेश को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की राय अलग थी। लेकिन अब जबकि पीएम मोदी की केंद्र सरकार की तरफ से खुद अध्यादेश लाया गया है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने उन्हें उनके पुराने मत को याद दिलाने की कोशिश की है। इससे पहले 20 मई को भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पीएम मोदी को घेर चुके हैं। 20 मई को अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था वो दिल्ली के हर घरों में जाकर लोगों को बताएंगे कि केंद्र सरकार ने कैसे दिल्ली की जनता के अधिकारों को छीना है। साथ ही उन्होंने इस अध्यादेश को तानाशाही का नाम दिया। उन्होंने कहा कि अगर तानाशाही आ जाएगी तो जनता जिंदा कैसे रहेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर केंद्र सरकार के खिलाफ करेगा तब ये लोग अध्यादेश लाकर उसको उलट देंगे, ऐसे में देश की जनता कहाँ जाएगी। जाहिर है अध्यादेश का ये मामला फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए दिल्ली सरकार लगातार लड़ाई लड़ती आ रही है। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच की तनातनी किसी से छुपी नहीं है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिल्ली सरकार के लिए राहत भरा फैसला आया तब केंद्र ने अध्यादेश लाकर इस लड़ाई को और भी हवा दे दी है। ऐसे में इसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।